गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, शुभ दोपहर। आप सभी दूसरी कक्षा में हो और मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ। मैं आपको हिंदी सिखाती हूँ, ठीक है। और अभी हमारा पीरियड है हिंदी का। तो बच्चों, इससे पहले हमने कुछ सीखा था, तो हमने क्या सीखा था, अच्छे से याद करो। हाँ बच्चों, हमने सीखा था छोटे छोटे ई की मात्रा की हमने पहचान की थी। उसका इस्तेमाल व्यंजनों के साथ इस तरह से करते हैं वो देखा था। छोटे ई की मात्रा का इस्तेमाल हम वर्णों के साथ किस तरह करते हैं वो हमने देखा था। उसके बाद हमने हमारे किताब में से अभ्यास किया था, सवालों के जवाब लिखे थे। फिर हमने वर्षीय छुड़ाई थी और हमने अच्छे से छोटे ई की मात्रा की पहचान की थी, उसका अध्ययन किया था। तो बच्चों, ये देखो, ये है हमारी छोटे ई की मात्रा। इसकी पढ़ाई हमारी हो गई है, ठीक है। तो आज हम कुछ नया सीखेंगे। तो आज हम क्या नया सीखने वाले हैं? तो बच्चों, हमारा पाठ नंबर जो 4 है, जो है पेज नंबर 25 पर, ठीक है। 2, 5, 25। तो इस
महीना, नगीना, पसीना, मदीना, यहाँ तक हमारे तीन वर्ण के शब्द पूरे होते हैं। उसके बाद है चार वर्ण वाले शब्द, जिसमें कितने वर्ण है? चार वर्ण है। कितने वर्ण है? चार। देखो यहाँ पे एक, दो, तीन, चार। एक, दो, तीन, चार। तो इन चार शब्दों में क्या है? चार वर्ण के शब्द है। तो अभी हम ये पढ़ेंगे। तरकारी, बरसाती, जलजीरा, इखलाती। तो बच्चों आपके पास जो बुक है उस बुक में कितने सारे शब्द है देखो, तो झील से लेकर इखलाती तक 20 शब्द है। कितने शब्द है? 20 शब्द है। और इन 20 शब्दों को आपको इस तरह से अच्छे से लिखना है, बड़ी ई को अच्छे से दिखाकर आपको लिखना है। इसको वर्ण विच्छेद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ण विच्छेद। और ये वर्ण विच्छेद करके आपको ये सब शब्द लिखने हैं अच्छे से। कहाँ पे लिखेंगे आप? इस नोटबुक जो है दो लाइन की। ठीक है बच्चों, अभी हमारी पढ़ाई खत्म हुई है क्या? नहीं। आप अच्छे से यहाँ पे अभी ध्यान दो। अभी आप ये पेज हमारा हो गया है। इसके बाद यदि आप पेज पे टर्न करोगे, यह पेज देखोगे, तो आपको एक चित्र दिखाई देगा। हाँ, तो इस चित्र में क्या है देखो, एक टेबल है, डाइनिंग टेबल बोलते हैं उसको, जिसपे हम खाना खाते हैं। और उसपे एक छोटा सा लड़का और दो छोटी लड़कियां बैठी हुई है, और यहाँ पे एक बूढ़ी औरत है। तो ये बूढ़ी औरत कौन है? वो है नानी। इन बच्चों की ये क्या है? नानी। ये नानी किसकी है? यह नानी रानी की है। तो अब ये कहानी है जो छोटी सी, ये हम पढ़ेंगे। तो हमारी इस कहानी का नाम है नानी की दावत। नानी की दावत। तो दावत का मतलब क्या है? तो दावत का मतलब है पार्टी। हाँ, हम किसी के बर्थडे के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? पार्टी करते हैं। वहाँ पे हमें केक काटने के बाद क्या दिया जाता है? दावत करते हैं, हम उनके घर खाना खाने को जाते हैं। यदि कोई शादी होगी तो हमें वहाँ पे बुलाया जाता है। हमारे रिश्तेदारों की वहाँ पे शादी होगी तो हमें बुलाया जाता है, इनविटेशन दिया जाता है, और हम वहाँ पे जाते हैं। शादी अच्छे से, शादी में अच्छे से मजे करते हैं, शरबत पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, धूमधाम करते हैं, और उसके बाद वहाँ खाना खाते हैं। तो जो खाना हम एक साथ बैठकर अच्छे समारोह में खाते हैं, या उसको हम दावत कहते हैं, या किसी मेहमान के घर जाकर हम वहाँ पे खाना खाते हैं, उसको दावत कहते हैं। तो नानी ने दावत की है। तो इस दावत में, इस पार्टी में जो खाना बनाया है दावत के लिए, तो क्या क्या बनाया है, चलो हम इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है? हाँ, चलो पढ़ो मेरे साथ, और आपकी उंगली इस लाइन पे रखो। ठीक है, यहाँ पे रखो। चलो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों अभी हम ये कहानी पढ़ेंगे। ठीक है? नानी की दावत। रानी की नानी आई, मीठी मीठी रबड़ी, नरम नरम ककड़ी व रसीली लीची लाई।
बनाई, मिलजुलकर इडली खाई, इडली बढ़िया बनी, वाह रबड़ी ककड़ी लीची, आहा चटनी लगाकर इडली छक कर दावत उड़ाई, नानी की दावत चकाचक थी। तो बच्चों यहाँ पे कहानी जो है वो आपको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करनी है। आप इसके लिए आपके मम्मी की हेल्प ले सकते हो। आप मम्मी के साथ बैठो और उसको ये कहानी पढ़कर सुनाओ कि नानी ने दावत कैसे बनाई, उस दावत में कौन कौन शामिल था। नानी ने यहाँ पे इडली बनाई है और नारियल की चटनी बनाई है, और क्या किया है, नानी की दावत कैसी थी, चकाचक थी। इस दावत में कौन आया है, रानी है और कौन है, दीपक है और नानी है, इन सभी ने दावत कैसे उड़ाई, चक्कर दावत उड़ाई। यानी कि ये जो सब पकवान नानी ने बनाए थे उनका आस्वाद लिया, वो पकवान उन्होंने खाए और बहुत मौज और मस्ती बनाई। तो बच्चों यह है पेज नंबर 26 यानी कि 26। इसके बाद आती जाती है अभ्यास की, लेकिन ये जो अभ्यास है वो हम बाद में करने वाले हैं। यह अभ्यास इसके आगे के पीरियड में करेंगे। तब तक आप यह बड़े ई की मात्रा वर्णों को अच्छे से 20 नोटबुक पर लगाकर लिखो, और ये जो शब्द है 1 से लेकर 20 तक इन शब्दों को अच्छे से आपके नोटबुक में लिखकर रखो। जब आप स्कूल में आओगे तो इस नोटबुक में मैंने सब होमवर्क देखने वाली हूँ, ठीक है बच्चों? तो अच्छे से घर में रहो।